अध्यात्म और विज्ञान के बीच घूमता रुद्राक्ष आखिर शिव कैसे रचते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार। आदियोगी और रुद्राक्ष का संबंध। शिव को आदियोगी कहा गया है, इन्हीं से योग की समस्त कलाओं ने जन्म लिया। आज जिस योग और साधना के बारे में हम जानते हैं उन सब की शुरुआत शिव यानी आदियोगी से हुई। एक बड़ी ही प्रचलित पौराणिक कहानी है। भगवान शिव काफी लंबे समय के लिए ध्यान में चले गए थे। इस दौरान उनके शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था, श्वास प्रक्रिया भी थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर प्राण नहीं है। परंतु समाधि में लीन शिव की आंखों से बहते हुए अश्रु उनके परमानंद में होने को दर्शा रहे थे। मान्यता है कि उनके नेत्र से जल की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसी वजह से इस वृक्ष के फलों से निकलने वाले बीज को रुद्र का अक्ष अर्थात रुद्राक्ष कहा गया। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते रुद्राक्ष को आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आभा और ऊर्जा का संरक्षक है रुद्राक्ष। जानिए इसके फायदों के बारे में। ब्रह्मांड में हर एक भौतिक वस्तु की अपनी एक आभा ऑरा होती है। कई बार आपने गौर किया होगा कि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद हमें काफी अच्छा महसूस होता है। हम जब भी किसी सिद्ध पुरुष के निकट जाते हैं उस दौरान हमारा मन काफी शांत हो जाता है। यह उस सिद्ध व्यक्ति की आभा का ही कमाल है कि उस व्यक्ति के निकट जाते ही हमें दिव्य अनुभूति होती है। मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष हमारी इसी आभा को साफ करने का काम करता है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं वहाँ हमें नींद नहीं आती, वहीं दूसरी ओर अपने घर पर जहाँ हम लंबे समय से रहते आ रहे हैं वहाँ हमारी नींद या बाकी दूसरी क्रियाएं काफी आसानी से हो जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान यह है कि आप जहाँ पर रुकते हैं वहाँ आपका शरीर अपनी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। ऐसे में जिस जगह पर आप रहते हैं सोते हैं वहाँ आपकी ऊर्जा का एक प्रवाह बन जाता है। इस कारण उस स्थान पर रहने सोने या दूसरी क्रियाओं को करने में काफी सहजता महसूस होती है। अगर आप उस जगह पर न भी हो इस स्थिति में भी फॉरेंसिक वैज्ञानिक थर्मल इमेजिंग के जरिए बता देंगे कि कुछ समय पहले आप वहाँ पर थे। वहीं जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं वहाँ पर ऊर्जा का दूसरा प्रवाह होता है। ऐसे में व्यक्ति जब नई ऊर्जा के संपर्क में आता है ऐसे में उसकी ऊर्जा आभा को नुकसान पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण बाहरी शक्तियों के प्रभाव में हमारी ऊर्जा का कमजोर पड़ना है। इसी वजह से साधु संत जो नियमित सफर करते हैं वो रुद्राक्ष को धारण करते हैं। मान्यता कहती है कि रुद्राक्ष एक कोकून की भांति व्यक्ति की ऊर्जा और आभा को बाहरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करता है। इससे शरीर को निश्चित स्थिरता मिलती है। कई बार लोग काला जादू या टोने टोटके की सहायता से नकारात्मक ऊर्जा के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अथर्ववेद में तंत्र और रहस्यमय विद्याओं का वर्णन है। ऐसे में रुद्राक्ष इस तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए व्यक्ति को कवच प्रदान करता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति का रक्तचाप संतुलित हो जाता है। इससे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने लगता है।